बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, एंग्री बर्ड से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या हुआ, किस पे गुस्सा आ रहा है शेखू? मोदी जी का भाषण लिखने वाले पे गुस्सा आ रहा है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, और तो और सारा पाकिस्तान भी जानता है कि मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आजकल भाषणों के दौरान वो कई मर्तबा ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जनता कंफ्यूज आ जाती है और समझ नहीं पाती कि वो बोल क्या रहे हैं। ये सब लिखे हुए भाषण को पढ़ने की वजह से होता। ये कैसे झूठ बोलने में महारती है और हर पल आराम से झूठ बोलना, आराम से पलट जाना, कोई परवाह ही नहीं। आप सब जानते हैं कि अच्छे से अच्छे वक्ता को चुनावों में लिखे हुए भाषणों की दरकार होती है, क्योंकि दिन में 4-5 भाषण देने होते हैं और लोकल सिचुएशन क्या है याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए पीआर एजेंसियों से भाषण बाकायदा लिखवाए जाते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे पढ़े जाते हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता के मुंह से कोई कंफ्यूजिंग बात निकल जाए तो समझ लीजिए कि भाषण तैयार करने वाली पीआर एजेंसी की गलती है। इट्स अ फोपा। अभी अभी प्रधानमंत्री जी की पंजाब की रैली में ऐसा ही वाक्या हुआ। ये सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी जी की बात का असली मतलब क्या है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते हैं, दिल्ली की हवा खराब हो गई, आपने देखा होगा, ये सब अवेलेबल है, कि मैं कह नहीं रहा हूं। अब दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर के किसानों को गले लगाने की बात करो, किसी के गले उतरेगा क्या, उतरेगा क्या? आपको याद ही होगा कि किस पार्टी के नेताओं ने किसानों को गालियां दी थी, याद है ना? इसलिए मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने जिन लोगों को अपना भाषण लिखने का काम दे रखा है वो शायद दूसरी पार्टियों के पीआर का काम भी देखते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग। इसी चक्कर में शायद ये हो गया कि मोदी जी को जो भाषण पढ़ना था वो गलती से दूसरी पार्टी को दे दिया और उस पार्टी के नेता को जो भाषण देना था वो मोदी जी को दे दिया। इसलिए इस तरह का फोपा यानी ब्लंडर यानी गुल गबाड़ा यानी गंडगोल हो गया। ओगो मां, लेकिन अब ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी बंदरू? अब इसलिए नहीं होगी क्योंकि मोदी जी ने स्पीच देने के बजाय अब पर्सन टू पर्सन मिलने का अभियान चलाया, यानी एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड। जैसे वो सिख समुदाय के कई लोगों से पर्सनली मिले, राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से पर्सनली मिले, और 2 दिन पहले दिल्ली के रविदास मंदिर जाके महिलाओं के साथ पर्सनली मंजीरा बजाने लगे। ये सही है ना? इससे क्या है कि पीआर एजेंसी के दिए गलत भाषण को पढ़ने का खतरा ही नहीं रहेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हालांकि मोदी जी के विरोधी इसमें भी खोट निकालने में पीछे नहीं रहे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि गुरुद्वारे में भी मोदी जी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने से चूक गए और बिना मास्क पहने मंजीरा बजाते रहे। अब ऐसे लोगों को अब ये कौन समझाए कि वोट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता? बिना मास्क पहने मंजीरा बजाना तो बहुत मामूली बात है भक्तों, बांगड़ों बहुत ही मामूली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।